केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, जब हम फॉर्मूलाज जो होते हैं वर्ड में होते हैं और उसके हमें वहाँ पे क्या लिखने होते हैं, सिंबल्स लिखने होते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसने साफ साफ बोला है केमिकल रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें उसके फॉर्मूले लेने हैं और हमें सब्सटेंस लेने हैं जिसे हमें रिएक्ट करवाना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया मैंने, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड मैंने पहले दिखाया था आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। जहाँ पे मैंने ये वाला कौन सा पढ़ा था हमने, इवोल्यूशन ऑफ, यहाँ हमने ये वाला जो रिएक्शन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी इवोल्यूशन ऑफ गैस में, इवोल्यूशन ऑफ गैस में। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट साइड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे ही हमें, हमने इसका क्या करा, ये तो हमारा जो है वर्ड फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा वर्ड फॉर्मूला है, और नीचे वाला जो हमने इसके केमिकल्स नेम लिखे हैं या सिंबल्स कह सकते हैं। तो जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, ये हमारे रिएक्टेंट्स में आ गए लेफ्ट साइड। फिर हमने यहाँ पे इन दोनों को रिएक्ट करवाया आपस में, तो वहाँ पे हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट Zn SO4 और हाइड्रोजन गैस H2। ये हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी पढ़ा था, तो ये वाला एग्जाम्पल हमने इसका लिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।